गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज कितना अच्छा मौसम होगा, सबसे बड़ी बात तो मौसम होगा बहुत ही अच्छा। आज हम चले घूमी फिर से, लगातार घूमने को हो रहा है। सॉन्ग साड़ी वेयरिंग हो रही मेरी अच्छा, यहाँ से साइड का रास्ता है ना सुपर टेक के लिए, और नहीं तो आगे की बिल्डिंग है ही वहां पर जाने के लिए। यहाँ लिफ्ट में हम दोनों फिर से एक साथ है ना। और यहाँ मैं और सुनील जी आए हैं, किसी की तबीयत खराब थी बस वहीं के लिए जल्दी निकलना पड़ा। और आगे का व्लॉग फिर घर होके और फिर दिखाऊंगी आपको क्या किया मैं। हेलो एवरीवन, तो आज है संडे का दिन और बच्चों की छुट्टी हो और हम कुछ ताम झाम ना बनाए, ऐसा हो सकता। सुबह आई थी, मैंने वैसे दलिया बना दिया था दूध का, लेकिन दूध के दलिए से तो कुछ नहीं हुआ। अब बनाइए हमने गर्मा गर्म केरी करारी करारी पकौड़िया, और पकौड़िया मैं बनाने जा रही हूँ। और शिवा ने बनाई आज चटनी, दिखाओ चटनी बनाइए बढ़िया वाली। और अब हम करेंगे दोपहर में, 3:30 हो गए, और बुरकले वगैरह मैं बना के आई हूँ जो होली पे मतलब गोबर से बनाए जाते हैं ना, वो दिखाऊंगी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद। और ये बन गई हमारी चाय, देख सकते हैं। अब डालेंगे तीनों बच्चे और मैं चाय का एंजॉय करेंगे, और आप सब भी खा लीजिए पकौड़िया विद हमारी गर्मा गर्म। इस तरह से देखिए पकौड़ी एक एक करके आलू, और गर्मियों का सीजन आ चुका है, मेरे बच्चों के गर्मियों के कपड़े स्टार्ट हो गए। आज फर्स्ट डे है जो इन्होंने हाफ पैंट पहनना स्टार्ट कर दिया। चलिए करते एंजॉय। चलो भाई दिखाते हैं, ये रही इन्हें बोलते हैं ब्रोकली। मैंने कर दी तैयार, बढ़िया लग रही थी सारी के सारी। और आप सोच रहे होंगे रात का टाइम और हम कहाँ जा रहे हैं, और सुनील भी जी चले ही जा रहे हैं। तो यहाँ एक बिजार था जो भूखा प्यासा था और पन्नी वगैरह खा रहा था, तो हम आए हैं इसे कुछ खिलाने के लिए रात में। खा लेगा, रख दो यही कर रहा है या पैकू बैठ। हाँ देखो खा लिया ना, यहाँ रख दो जहां यू कह रहा हो नीचे को। हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे प्लानिंग बनी है कुछ एकदम इंटरेस्टिंग टेस्टी खाने के लिए। और मैं आई थी, थोड़ा सा बैंक का काम था, और अब निकलेंगे हम अपने सफर पर, शिवम मैं और सुनील जी। तुझे दिखाई ना दे रहा हो गया पापा कौन से ओए होए, अपना फोन मत गिरा, तेरा फोन एक बार को लगा दिया मेरा।
अचानक से फिर से प्लान बना हमारा, हम जा रहे हैं सेक्टर 15, सबको पता है रामजी लाल समोसे वाले के यहाँ पर, ये है सेक्टर 15 में पड़ता है। आप जब ये वाला देखिए, ये वाले बिल्डिंग देखते हैं ना, WTT सेक्टर 16, और इससे आगे होते हुए जाएंगे, ये रहा हमारा देखिए रजनीगंधा सिल्वर पल्स, जो ये नोएडा का है हमारा मेट्रो स्टेशन, उसके नीचे से होते हुए जाएंगे सेक्टर 15 की तरफ। ये लोकेशन काफ़ी बिल्कुल क्लियर लोकेशन है, और यहाँ पर 44 समथिंग समोसा टाइप होता है, बहुत ही अच्छे लजीज, आपने देखा भी होगा, स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने। और ये फोर्ट सेंट्रल ऑटो DTC बुक डिप वॉशरूम, काफ़ी खुश है अच्छा लगता है, मलाई वाला सबका अपना अपना फ्लेवर है। सुजल को तो हमारा इसके मलाई चाप वाली भी पसंद है, और एक सुजल को कॉल करो, वो चार मंगाएगा, चारों अलग अलग अपने पिज्जा समोसा पता नहीं कहाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। और चल रहे हैं ऑन द रोड, क्या सुनी मतलब इसमें हम बाहर से बाहर ही खरीद के जा सकते हैं गाड़ी से, मैकडोनल्ड वही यही है प्रियंका तिवारी वाला लिख रहा है, ये आ गया रामजी समोसे वाले, यहीं पे जस्ट पड़ता है। हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, और पार्किंग वगैरह भी सब है यहाँ आसानी से पहुंच। देखो देखो और जैसा कि मैंने डिटेल आपको दे दी है कि यहाँ पर 44 या 40 टाइप के समोसे हैं, ऑल वैरायटी मैक्रोनी पास्ता समोसा चाप समोसा मलाई चाप समोसा मटर मसाला समोसा, मार्केट में जो चीज़ें हैं उससे भरा हुआ समोसा होता है। और इनकी ट्रिक भी इतनी अच्छी है, इन्हें सब पता होता है कि कौन सा समोसा किस टाइप का है। और हमें पसंद है मलाई पनीर समोसा जो 22 रुपए का, अलग अलग क्वालिटी अलग अलग प्राइजेस। चॉकलेट समोसा भी है, पान मसाला समोसा भी है, आपको जो फ्लेवर पसंद है मार्केट में वो आप ले सकते हैं। लोकेशन मैंने दे दी है, हमें तो बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर कर इन समोसे का लुफ्त उठा सकते हैं मेरी तरह। तो चलिए, मैं तो खाने की बहुत शौकीन हूँ, मैं भी मेरे बच्चे भी, और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। मैं कम से कम दूसरी बार आई हूँ, पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, और मैंने इन भैया से कम घर के लिए भी दो सबके लिए ही मतलब पैक कराया। और भीड़ आप देख ही रहे होंगे, देखिए भीड़ लगी पड़ी है, खाने वाले अलग हैं, पैकिंग वाले अलग हैं, और हमारी तरह ही सब ले जाने वाले भी अलग हैं। शिवम यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो करवा रहा है ऑर्डर, और बस हम चलेंगे अब घर पर, इंजॉय करेंगे अपने समोसे। तो सुनील जी वेट कर रहे हैं हमारा, कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, तो चलेंगे घर पे। और वहाँ पे मैंने बच्चों से बोल दिया कि चाय पहले ही बना के रख दे, मुझे चाय पसंद है समोसे के साथ। सब मलाई वाले ये वो वाले समोसे ना, सही कह रहे, छोटे ब्लॉग कर देते एंड, और मिलते रहेंगे आपको इसी ब्लॉग की तरह। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार।